काम, सहरी का टाइम हो गया है, तो 2:20 हो गए हैं, तो चलते हैं किचन में। टाइम काफी हो गया, मैं आटा निकालू, पहले हम ब्रेड बना लेते हैं, फिर साथ ही पराठे बना लेंगे। तो वैसे मैं पराठे तो नहीं खाती, लेकिन आज मैं पराठा खाऊंगी, दिल कर रहा है। ये देखिए, मैं पराठा ऐसे बनाती हूँ, दो तरह के मैं पराठे बनाऊंगी। देखिए, मैं एक तो ऐसे पराठा बनाती हूँ, ऐसे, ऐसे करके, बहुत अच्छे इसमें ऑप्शन लगे। ये देखिए, इसको हम रख देंगे। और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत मजे का बना है। मैं पहले इसकी रोटी बनाऊंगी, हल्का। ये देखिए, मैं आपको इस पराठे का तरीका बताते हैं, बहुत ही मजे का बनता है। और इसमें जो वाल होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। पहले आपने पेड़ा किया, और फिर आपने जी ऐसे करके लगा देना सारे। ये देखिए, ये भी ऐसे बर्तन रखेंगे। और आप लोग कितने रोजे रखे, मेरे तो माशाल्लाह से सारे जा रहे हैं, सपारे भी सारे जा रहे हैं। जितने रोजे गए हैं उतने ही सपारे मेरे मुकम्मल हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कुरान खत्म करूंगा, 5-6 रोजे रह जाएंगे, मेरा कुरान खत्म हो जाएगा। शादी से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये सारा कुछ शादी के बाद ही मुझे खाना बनाना, रोटियां बनाना आई। अंडे फ्राई कर लेते हैं, जब भी आप ये तोड़ नहीं लेंगे।
ये जी हमारी चाय तैयार हो गई है। ये जी हमारी सहरी हो रही है। दिल्ली का शहर का परांठा मैंने छोटा सा बनाया आज ही। आज सर आज क्या आज 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 मैं तोड़ने से सर्विस करती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग किससे करते हैं। ये जो हमारी सहरी हो गई है आज मैं रोज सब खाती हूँ क्योंकि अफ्तारी के बाद में मैंने सारे घर को नील किया है। बहुत शदीद था सहरी हमने की है और ये जल्दी से बर्तन पहले से धो लेते हैं उसके बाद वॉक के लिए जाएंगे। लीजा साहब हमारे बर्तन रख के आएगी। क्या लीजा मेरी बहुत काम करती है काफी हेल्प करवाती है मेरी। शाबाश बेबी जाओ। ये भी लीजा सर खाती है कुछ नहीं खाती लीजा सर। ये मेरी बेटी एक अच्छी है सबसे अच्छी बेटी है ये। इसको ज्यादा सारी शॉपिंग करवानी पड़े लीजा सर कितने अच्छे अच्छे काम करती है। शाबाश शाबाश थक जाएगी मैं भी उठती हूँ। ये जी हमारे थोड़े से बर्तन ये हम नमाज पढ़ के सोएंगे बल्कि वॉक के लिए पहले जाएंगे उसके बाद सोएंगे। जितनी देर नमाज का टाइम होता है उतनी देर हम बर्तन थोड़े से धो देते हैं ताकि किचन नीट हो जाए। किचन मैंने नीट कर दी सुबह टेंशन भी होती है। Come with me. Come with me.
मार्क सिलवा लेते हैं, कोई बाहर से हमें फौजी शौजी देख ना ले, डंडा शंडा ना हमें पड़ जाए, बेहतर है हम सबसे पहले मार्क्स लगाते हैं। दुपट्टे पिक करवाने जा रहे हैं, कितने प्यारे फूल लगे हैं। मैं रास्ते में जा रही थी, इतना खूबसूरत दरख्त लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। बस धूप आज बहुत है, चलो थोड़ा सा मास्क पीछे कर लेते हैं, सांस बंद हो रहा था, धूप आज गर्मी काफ़ी है। बस ये पास ही कमर्शियल मार्केट है, तो मैंने कहा चलो काम ख़त्म करें ना, क्योंकि एंड टाइम पे फिर रश बहुत हो जाता है पीको वाली दुकानों पे, तो बस ये पास ही कमर्शियल मार्केट है। ये गली बहुत खूबसूरत है, कितने प्यारे पौधे लगे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे लगे हैं। कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हैं यहाँ पे। हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी यहाँ से पेड़ लोग जाते हैं। ये सर्कल वाले जो राउंड ये वाली है, हाँ ये तो दस दिन हल्की है। अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें पैरिंग हो रही है, और साथ तरबूज काट के रख लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। खाना हमने तैयार कर लिया है, काटने के बाद हम बनाते हैं पकौड़े। अफ्तारी के बाद बिल्कुल ठंडा ठंडा खाने का बहुत दिल करता है। और ये देखिए, ये मैंने कल काट के रखा था फ्रीजर में, मुझे याद ही नहीं रहा, और ये बर्फ बन गई है। तरबूज हमारा कट गया है, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं।
बंद गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। जैसे आप लोग प्याजों के बनाते हैं, आलू डालते हैं, मैंने सिर्फ बंद गोभी के पकौड़े बना रही हूँ और ये भी बहुत मजे के बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टिश्यू मैंने क्यों नीचे रखा, वैसे मैं छन्नी में भी पकौड़े रखती हूँ लेकिन इससे ये मैंने रख दिया कि इसमें वो घी जो होता है वो जज्ब हो जाता है, पकौड़ों के साथ ज़्यादा लगा नहीं रह जाता। सायरन की आवाज़ आ रही है, ज़्यादा मशहूर हो गई है। ये थी सहरी से लेके अफ्तार तक, ये थी मेरी डेली रूटीन। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।